हे सो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूपी आईटीआई का फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो आ चुका था, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आया था। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड मेरिट लिस्ट आज आ चुका है लेकिन अभी आप तक नहीं पहुंचा होगा। हो सकता है शाम तक अपडेट हो जाए, क्योंकि मेरा क्या है, मैं प्राइवेट आईटीआई से थोड़ा बिलोंग करता हूँ तो कुछ खबरें मिलती रहती हैं, बाकी ये बात बताई नहीं जाती, मैं बता रहा हूँ। और दोस्त हम आपको बता देते हैं, अगर आपका परसेंटेज कितना भी है, कितना भी परसेंटेज है, कोई मैटर नहीं कर रहा है। इस बार सीटें बम्पर खाली है, क्योंकि क्या हुआ था, जो बंदों ने पिछली बार जो कोरोना काल में बंदे पास हुए थे कोविड-19 के समय, उन लोगों ने आईटीआई में फॉर्म तो डाल दिया था, लेकिन बहुत से बंदों ने क्या किया, उसने एडमिशन नहीं लिया है, तो सीटें बहुत खाली हैं। अभी भी आपका बहुत अच्छा आपका स्कोप रहेगा। और दूसरी बात दोस्तों आपको बता देते हैं, ओबीसी वालों का जो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि यार मेरा 70 है फिर भी नहीं आया, मेरा 75 है फिर भी नहीं आया, तो भाई मैं आपको बता, सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है तो ओबीसी में होता है, ठीक है। जनरल वालों को तो ईडब्ल्यूएस का कोटा मिल जाता है, लेकिन ओबीसी वालों को कोई कोटा वगैरह नहीं मिलता, कोई भी कोटा नहीं मिलता। तो इस वजह से हाँ, ओबीसी का अलग का ये कोटा होता है ओबीसी का, लेकिन जनरल वालों का नहीं होता है, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस लगा देते हैं तो उनका कोटा एक बन जाता है, तो उनके कोटे के अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट मिलता है, तुम्हारे कोटे के अकॉर्डिंग तुमको बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसा अभी आजकल कहाँ होता है यार, हर जगह वही होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी रैंक भी कितनी होनी चाहिए तो आपका नाम आ जाएगा। देखो दोस्त, अगर आपका 30,000 से नीचे रैंक है तो आपका एब्सोल्युटली नाम आ ही जाएगा तीसरी मेरिट लिस्ट तक। अगर नहीं है तो आप एक काम करिएगा, आपको ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर क्या करते हैं, जब ये आपका रैंक जमा करते हैं ऑफलाइन, तो रैंक जमा करने वाले एक लिस्ट लगता है, वहाँ पर रैंक वाइज नाम आए होते हैं लिस्ट में। अगर आपको लगे कि मेरी रैंक का नीचे का बंदा या मेरी रैंक से ऊपर का बंदे का नाम है, तो डायरेक्ट आप प्रिंसिपल से मिलना जाके डरना मत, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट प्रिंसिपल से मिलना जाके बोलना ऐसी सी बात है, साहब बताओ तो मैं ऊपर ऑब्जेक्शन उठाऊं, बताओ तो मैं ट्यूटर पे ट्यूट करूं इस बात को लेकर, फिर तुम समझ सकते हो। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बस मेरा फर्ज है आपको सही रास्ता दिखाना। मैं चाहता हूं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले किसी भी तरीके से, ठीक है। और आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आज नहीं तो कल मैं आपके काम आने वाला हूं। और भी तुम्हारा कोई भाई पूछे कि हाँ भाई तुम्हारा कोई यूट्यूबर दोस्त है, तो हाँ सीधा बोलना, हाँ भाई अगर अभिषेक भाई मेरा दोस्त है वो यूट्यूबर है, तो बात सीधी बात है, तुम मेरा नाम लो, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारा दोस्त समझो, भाई समझो, जो समझना है तुम समझो, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ मेरे बारे में, मैं तो इतना जानता हूँ भाई। आप ही लोगों का तो सहारा है मेरे ऊपर, किसका सहारा है भाई, आप लोग साथ रहोगे तभी तो मैं आगे जाऊंगा। और दोस्त आपको बता देता हूँ, आपको अगर आईटीआई में एडमिशन ले लिया है और आप तैयारी कैसे करोगे, तो सारी जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से आईटीआई में आईटीआई भी कर रखा है कि मैं आईटीआई में कुछ, तो कोई बात नहीं, बाकी अपने वो प्राइवेट बातें हैं, मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ आपसे। लेकिन दोस्त आपको बता देता हूँ, सेकंड मेरी लिस्ट आज या कल आपकी आ जाएगी। आप अगर चैनल पे नए हैं, एक बार फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आपका बिल्कुल भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप तक आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय।